लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप खुश हैं? यस, प्रभु का धन्यवाद हो। और आपने उस बारिश के ऊपर जय पाई है। हालेलुया। बाइबल में कहा तू शैतान पे जय पाई है, तो वैसे आपने बारिश पे जय पा के आप प्रभु के भवन में आए, और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और पहली, दूसरी, तीसरी सभा, चौथी सभा, 10 बजे तक सभा चलती रही। हालेलुया। उतने लोग नहीं आए लेकिन चली। और आज की भी सभा चलाने वाले लोग आप है, प्रभु ही है, और आप यहाँ पे आ गए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप बारिश से डरे नहीं और आप प्रभु के भवन में आए। प्रभु आपको बहुत बड़ी बरकत दे, प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष दे। उस गीत को हम गाएंगे, यीशु ने हमें चंगा किया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे जो प्रभु ने हमें चंगा किया है। तो हम प्रभु के भवन में आएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने जगह पे, आप प्रभु की स्तुति करें। आइए, इस साल का पहला रविवार है, इस साल का पहला रविवार। अब कितनी खुशी की बात है कि आज आप यहाँ पे पाए जाते हैं, और आप हालेलुया अपने घर में नहीं है, अपने बिस्तर पे नहीं है, लेकिन आप प्रभु के भवन में पाए जाते हैं। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी परीक्षा होगी आज, हालेलुया, कि कौन कौन चर्च में आता है, कौन नहीं आता है, बारिश के बावजूद है और आप लोग आए, आप विश्वास के पाए गए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। तो आइए हम उस गीत को गाएंगे, यीशु ने हमें चंगा किया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। प्रभु के लिए गीत गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद। इसलिए
यीशु मसीह है। हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राहों पर अपनी रात दिन हमको तू जला। आत्मा प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सॉन्ग नंबर 210 210।
ताली बजाए प्रभु के लिए आप। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उस गीत को गाएंगे। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, तेरी वह सामर्थ्य हमको चाहिए, प्रभु तू यह जानता है। हालेलुया, 2021 में हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। हालेलुया, उसके सामर्थ के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। इस गीत को एक प्रार्थना के रूप में हम गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। 372, यस, हालेलुया, और प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे हम। थैंक यू जीसस।
पिता, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके सामने घुटने टेकते हैं, आपके सामने सर झुकाते हैं, क्योंकि हे प्रभु तू ही सच्चा परमेश्वर है। तुझे छोड़ हमारे लिए और कोई परमेश्वर नहीं है। तू हमारा परमेश्वर, तू हमारा प्रिय परमेश्वर है। यहाँ पे आए हुए हर एक जन को आशीष दे, उनके पापों की क्षमा कर, उन्हें शुद्ध कर, उन्हें पवित्र कर। प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर, मेरे परिवार के पापों की क्षमा कर, मेरे कलवरी चर्च के हर एक सदस्य के पापों की क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। हमारे दिल्ली, भारत और इज़राइल को तू आशीषित कर, हमारे पापों की क्षमा कर। दिल्ली, भारत, इज़राइल के पापों की क्षमा कर, तेरा क्रोध हम पर आने ना पाए। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीष हम सब पर हो। प्रभु यहाँ पे आए हुए हर एक जन को स्पर्श कर, आशीषित कर और तेरी महिमा होने दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग के अधिकारियों के लिए, उनको आशीष दे। जैसे आज हमको आराधना करने के लिए ये जगह मिल गई है, हम धन्यवाद देते हैं। उन सारे अधिकारियों को आशीष दे, तेरी महिमा होने दे। हमारी आज की आराधना तू ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमेन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम अपने जगह बैठ जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए। और सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया, और नए साल में प्रवेश करने का मौका मिला। बहुत सारे लोग हैं कि जो हालेलुया इस नए साल में प्रवेश कर नहीं पाए, लेकिन आपको और मुझको प्रभु ने नए साल में प्रवेश करने का मौका मिला, इसलिए हम हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, उठाइए हाथ और बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। और बात और गुनासी तूने मुझे
में मसीह, जब से दिल में तू है आया, हम खुशी मिली तुझे में मसीह, जब से दिल आइए हम देखेंगे 2021 का यह संदेश। 2021 को हालेलुया प्रभु ने मुझे बताया कि यह साल जो है यह पवित्र आत्मा का साल है। प्रेज द लॉर्ड। 2020 के लिए बहुतों ने कहा था कि आनंद का साल है और खुशियों का साल है और बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी और बहुत पैसा आएगा और बहुत पता नहीं को जो है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग बातें बताई थी। हालेलुया। और वो सारी बातें जो है कुछ कुछ लोगों के जीवन में पूरी हुई, लेकिन ज़्यादातर लोग ये साल जो है बड़ा 2020 कठिन साल गया, महामारी का साल गया, दुख का साल गया। हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम 2021 में खड़े हैं, अब शुरू कर रहे हैं हम 2021। हालेलुया। 2020 बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, घर में बैठे बैठे ख़त्म हो गया। घर से बाहर निकलना नहीं, दरवाज़ा बंद कर लेना, ये करना वो करना, बाप रे। लेकिन अब 2021 मेरे ख्याल से घर के बाहर आने का समय आ चुका है। हालेलुया। प्रचार और गवाही का समय आ चुका है। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि यह साल पवित्र आत्मा का साल है। दिस इज ईयर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का यह साल है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा, देखो पहला जमाना जो था यहोवा का जमाना था, यहोवा मूसा के समय में, और उन्होंने यहोवा की इज्जत नहीं करी, सोने का बछड़ा बनाया और उसके सामने नाचने लगे। आज हम अपने आप को इतना धन्य समझते कि हम प्रभु के सामने नाच रहे हैं, कोई सोने के बछड़े के समान नहीं नाच रहे हम। हालेलुया। और वो जब
जो है वो सोने के बछड़े के समान नाचने लगे, कहने लगे तू हमारा ईश्वर है। परमेश्वर को गुस्सा आया, परमेश्वर को गुस्सा तो आया आया, लेकिन जो है मूसा को भी आया। उसने जो जो पटिया दी थी फेंक दी उसने, वो बड़ा गुस्से वाला बंदा था, उसने फेंक दी सारी। पर खैर परमेश्वर ने फिर से उसे दूसरे दो दी, लेकिन उसको गुस्सा आया कि तुमने क्या कर दिया, जिस परमेश्वर ने तुम्हें लाल समुद्र से निकाला, इतना महान परमेश्वर, तुमने उसके लिए ऐसा कर दिया। तो यहोवा परमेश्वर को भी उन्होंने तुच्छ जाना। फिर दूसरा जमाना आ गया प्रभु यीशु का जमाना। उनको लगा कि ये पुत्र का स्वीकार करेंगे, इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, इसको वो ग्रहण करेंगे। लेकिन इन लोगों ने यीशु मसीह को भी इनकार किया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और अब आखिरी जमाना जो है वो पवित्र आत्मा का जमाना है, हालेलुया। और जिन्होंने परमेश्वर यहोवा के विरोध में पाप किया उनको माफी मिलेगी, यीशु के विरोध में जो इन्होंने किया उनको भी माफी मिल सकती है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा उसको अभी कोई माफी बाकी नहीं है, लेकिन उसको सीधा नरक में जाएगा वो। और परमेश्वर, आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत प्यार करता था। और जब वो प्रेरितों काम पहले अध्याय और पहले वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मृतकों में से जी उठने के पश्चात वो अपने चेलों को 40 दिन दिखाई दिया, और जो सब उसके साथ एक ऊंची पहाड़ी पर चोटी पर इकट्ठे हुए, और उनके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। और इससे पहले कि वह स्वर्ग पर उठा लिया गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों के लिए एक विशेष प्रतिज्ञा थी। और एक विशेष प्रतिज्ञा जो थी वो कौन सी प्रतिज्ञा थी बताएं, हालेलुया, यूहन्ना 14:16-18, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हालेलुया। अब इस वक्त जो है पृथ्वी पर कौन है, पवित्र आत्मा, और वो कौन है, हमारा सहायक, सहायक के रूप में आपको दिया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर विश्वासी लोग इस पवित्र आत्मा की सहायता लेते नहीं। दुख की बात यह है कि इस पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। दुख की बात यह है कि पवित्र आत्मा का जो है वो कीमत समझते नहीं, पवित्र आत्मा की जो अहमियत है वो समझते नहीं, और बहुत दुख की बात है। आज मैं चार बातों पे देखूंगा। पहली बात मेरी यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा जो है एक वरदान है हर एक मनुष्य के लिए। क्या है, एक वरदान हर एक मनुष्य के लिए वरदान। भाई सबसे पहली बात हमें समझना कि तो चाहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा एक वरदान है, हालेलुया। फिर तीसरी बात जो है, पवित्र आत्मा का हर एक व्यक्ति के जीवन में, विश्वासी के जीवन में जो कार्य है उसके बारे में देखेंगे। और चौथी बात, पवित्र आत्मा को हम कैसे पाए, पवित्र आत्मा को हम कैसे पाना है इसके बारे में आज हम थोड़े समय में देखेंगे, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और ये पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, ये बताने के लिए हालेलुया पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5:3-4। परंतु पतरस ने कहा, हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। फिर दूसरा करंथियों 3:17 में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बात आती है जो एक परमेश्वर है। और बाइबल में पवित्र आत्मा को परमेश्वर का रूप दिया गया है, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर है वो, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो वहां पे पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतर के आया, यीशु मसीह पर ठहर गया। वहां पे त्रिएकता देख सकते हम, वहां पे परमेश्वर पिता का आवाज वाणी हुई, पवित्र आत्मा वहां पे कबूतर के रूप में आया और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु बपतिस्मा लेके पानी के ऊपर आया। त्रिएकता का वो दर्शन था, त्रिएक परमेश्वर वहां पे थे। और पवित्र आत्मा ये परमेश्वर है, इस बात को हमें देखना है।
दूसरी बात, पवित्र आत्मा एक वरदान है हमारे लिए, एक वरदान। वरदान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गिफ्ट। यस, क्रिसमस में बहुत सारे गिफ्ट्स मिलती है, मम्मी पापा के द्वारा गिफ्ट्स, नए नए कपड़े। कभी मम्मी पापा को थैंक यू कहने की इच्छा नहीं है, क्या है इच्छा? नहीं ना, सिर्फ एक ही तो व्यक्ति कर रहा है, हमें अपने मम्मी पापा को इज्जत करनी है, प्यार करना है, क्योंकि उनके द्वारा हमें जीवन मिला है और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलती रहती है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। अगर हमारा, हम जो है बाइबल में बहुत सुंदर से लिखा है कि तुम बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मतलब पवित्र आत्मा हमको हमारा स्वर्गीय पिता एक वरदान के रूप में देता है। कितनी खुशी की बात है। और ये वरदान हर एक मनुष्य के लिए है, लेकिन वो किसके लिए, खास करके किसके लिए है, वो देखेंगे हम। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का 38 और 39वां वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारे संतान के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर है, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ये पतरस क्या कहता है कि मन फिराओ, मन फिराने की बात प्रभु कहता है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस कहता है कि मन फिराओ बपतिस्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए। ये पवित्र आत्मा क्या है? ये हमारे लिए मिली हुई प्रतिज्ञा है, ये प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे आत्मा से भर दूंगा, मैं तुझे आत्मा से भर दूंगा। और लिखा है कि आत्मा, जी हाँ, मन फिराओ और बपतिस्मा लो कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए और सारी पीढ़ी जात के लिए है। जो जो पश्चाताप करेगा, जो जो बपतिस्मा लेगा, उसके लिए पवित्र आत्मा एक प्रॉमिस, एक प्रतिज्ञा है कि आपको पक्का मिलेगा, आपको पक्का मिलेगा। जैसे स्वर्ग हमें पक्का मिलेगा, वैसे पवित्र आत्मा हमें पक्का मिलेगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये गिफ्ट को कोई लेता नहीं जल्दी। एक बार एक साधु सुंदर सिंह क्रिसमस मना रहे थे, और क्रिसमस मनाते मनाते एक ऐसा बहुत सुंदर परिवार था पंजाब में कि जो उनको बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत सेवा भगत, आव भगत करते थे। और उस दिन जो है वो उनके घर गया साधु सुंदर सिंह, उनके घर गए और उन्होंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा, सुंदर जी हमारे पास आपके लिए इस बार कुछ नहीं है, बस एक केक है, इस केक को आप खाइए और प्रार्थना करिए हमारे लिए और आप जा सकते हैं। आए, इस बार कुछ भी नहीं, ये तो इतना पैसा देने वाले लोग, कुछ नहीं दिए दिया उन्होंने। तो जो है साधु सुंदर जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। उनको लगा, साधु सुंदर जी को लगा कि इनके पास पैसे की कमी होगी, बेचारे नहीं तो ऐसे करने वाले नहीं है। उन्होंने बहुत दिल से प्रार्थना की, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। और वो केक लेके गए और पेड़ के नीचे वो काटते गए और खाते गए, काटते गए और खाते गए, काटते गए और खाते गए। है ना, बहुत सारे लोगों का यही चलता है क्रिसमस पे, उनकी एक ही मिनिस्ट्री होती है क्या, काटते जाए और खाते जाए, काटते जाए, काटते जाए और खाते जाए, काटते जाए खाते जाए। तो ये बेचारे जो है साधु सुंदर सिंह तो बड़े भूखे थे और जो है उन्होंने केक काटना शुरू, काटते गए, खाते गए, सारा जब केक काट दिया तो थोड़ा सा आधा रह गया था, उन्होंने जैसे काटा वो कट ही नहीं रहा, इसमें क्या जो है उन्होंने पत्थर वत्थर तो नहीं डाला। तो उन्होंने निकाल के देखा तो उसमें इतना सोने का एक बड़ा बिस्किट था। मैं कहा, वाओ, सोने का बिस्किट। और जो है उन्होंने फिर उसके द्वारा पैसे जो है बना लिए और वो सेवकाई में, वो तो पता है कि उनको सेवकाई में लगाते थे वो, और वो सेवकाई में लगा दिए और जो है उस परिवार में गए। उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्रिसमस गिफ्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे आवाज नहीं आ रहा, हालेलुया। तो परमेश्वर गिफ्ट देना चाहता है और इस गिफ्ट में बहुतों को पता नहीं है कि ये कितनी प्रेशियस गिफ्ट है।
साधु सुंदर सिंह जी को पता नहीं था कि ये केक कितना प्रेशियस है। हालेलुया, यस। उसी प्रकार बहुत सारे विश्वासियों को पता नहीं कि पवित्र आत्मा कितना प्रेशियस है, कितना मूल्यवान है, और वो एक व्यक्ति है। ज्यादातर बिजनेस करने वाले लोगों को मैं जो बात करता हूँ, क्या ब्रदर कैसे हैं, पास्टर क्या कहूँ मैं, मेरे पास ना कोई एक असिस्टेंट नहीं है। अगर मेरा कोई असिस्टेंट होता ना, अभी तक पता नहीं क्या ये बिजनेस कहाँ से कहाँ तक चला जाता। ज्यादातर बिजनेस करने वाले लोग जो है ये कहते हैं, हालेलुया, कि मेरे पास कोई बिजनेस असिस्टेंट नहीं है, असिस्टेंट चाहिए मुझे, असिस्टेंट चाहिए, कोई सहायक चाहिए। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी खुशी की बात है कि प्रभु कहता है इस पवित्र आत्मा का नाम है तुम्हारा सहायक, वो हमारी सहायता करता है। और पवित्र आत्मा का ये वरदान आज आपके जीवन में एक गिफ्ट के रूप में आता है। यह हमारे लिए प्रतिज्ञा है, यह हमारे लिए प्रतिज्ञा है कि हमको एक गिफ्ट मिलेगी, और वह गिफ्ट मतलब पवित्र आत्मा होगा। पवित्र आत्मा के अन्य अन्य वरदान हैं, उन अलग अलग वरदानों से हर एक को प्रभु ने वो वरदान हर एक को दिया है, वो हर एक को विश्वास दिया, हर एक को वरदान दिया है। बस यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, और कुछ लोग जो है उसको बाहर निकालते हैं। अभी हमारे बच्चे जब बाहर आ रहे हैं और जो स्टेज के ऊपर आके डांस कर रहे हैं, उनका डर खुल रहा है, उनका डर हट रहा है, और वो आने वाले दिनों में परमेश्वर के बड़े महान जन बनने वाले, मेरा विश्वास है। अब पहली बात मैंने देखा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, दूसरी बात हमने देखा पवित्र आत्मा वरदान है, और वो हर एक मनुष्य के लिए है जो पश्चाताप करता है, जो बपतिस्मा लेता है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा के 11 कार्य है, और वो 11 कार्य मैंने जो है लिख के रखे थे, और भी बहुत सारे कार्य, लेकिन जो मुझे दिखाई दिए वो 11 कार्य है। हालेलुया। और वो 11 कार्य, पहला कार्य जो है वो ये है उसका, कि वह परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को प्रमाणित करता है, हमारे संबंध, हालेलुया, प्रभु के साथ। बहुत बार शैतान कहता है तूने वो पाप किया था, किया था ना, किया था, इसलिए तू शैतान का है। तूने पाप किया था ना, शैतान का। तूने पाप किया था ना, शैतान का। तूने पाप किया था ना, शैतान का। लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है हमारे मन में बातें करता है। लिखा है आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, रोमियो 8:16। पवित्र आत्मा आता है और हमारे दिल में आके कहता है, ए प्रदीप, तू परमेश्वर का बेटा है। ए, आप अपना नाम ले लीजिए और कहिए कि तू परमेश्वर की बेटी है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर का बेटा है। बोलिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। ये कौन कहता है? पवित्र आत्मा उनको ही कहता है जिन्होंने पश्चाताप किया है, मन फिराया है, गलत कामों को छोड़ दिया है और प्रभु के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। वो आता है और वो कहता है कि हमारे संबंधों को प्रमाणित करता है। तो जब भी शैतान आपको कहता है तू शैतान का है, शैतान का है, तू मेरा है, तूने उस दिन झूठ बोला था ना, झूठ और झूठ का बाप तो शैतान है, तू मेरा है, ऐसा शैतान जब कहता है तो एकदम पवित्र आत्मा भी आता है और कहता है कि तेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब तू पाप मत करना, तू मेरा है बेटा, तू मेरा है बेटी, तू मेरा है बेटा। कितना सुखद वो अनुभव, परमेश्वर हमारे साथ अपने संबंधों को प्रमाणित करता है ये पवित्र आत्मा। दूसरी बात, पवित्र आत्मा सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। मैं आपको बताना चाहूँ कि ज़्यादातर मैं देख रहा था कि किसके द्वारा कौन से क्या क्या जो है चमत्कार हुए, मतलब खोजबीन हुई। लेकिन पहले प्रभु का वचन पढ़ेंगे, बाइबल के यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सिखाने वाला कौन है? यस, आगे लिखा है, और जो सब और जो सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा, याद कराएगा। शैतान हमेशा हमारी बुरी बातों को याद कराता है। देख तूने कैसा मारा था उसको, देख तूने कैसे चोरी करी थी, देख तूने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। ये शैतान का काम, स्मरण कराना बुरी बातों को। लेकिन पवित्र आत्मा काम क्या है? यीशु की बातों को स्मरण कराना। सुन, कैसे तुम 38 साल में मरने वाले लोग थे, कैसे प्रभु ने तुमको जिंदगी दी। सुन, कैसे तू बीमारी में मर रही थी, मर रहा था, कैसे मैंने जिंदगी दी। ये क्या करता है पवित्र आत्मा? हमारी गवाहियों को स्मरण दिलाता है, और शैतान हमें बुरी बातों का स्मरण दिलाता है। तो आप किसकी बात मानेंगे? शाबाश, पवित्र आत्मा की बात मानेंगे।
हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, तुम्हें सब बातें, मतलब ऐसी एक भी बात नहीं कि जो आपको नहीं सिखाएगा। और मैंने ऐसी 70 ऐसी बातें हैं, 68 ऐसी बातें हैं कि जो मसीही लोग जिनके अंदर पवित्र आत्मा है उन्होंने खोजबीन की, उन्होंने खोजा उन सारी बातों को, और कोई नहीं, मसीह लोग जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, यहूदी लोग जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा, बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन वो पोस्ट में लिखा था। हालेलुया। साइकिल किसने खोज निकाली? मैक ने, मैक मिलन। बाइक जे डेलर। ऑटो जोनाथन। कार कार्ल बेंज। मोटरकार ऑस्टिन। जीप डब्ल्यू एस जेटसन। बस गोल्डवास। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स। रेल रिचर्ड ट्रिटिक। और ट्रैक्टर जॉन और जेसीबी जोसेफ। बैटरी ए वोल्ट इलेक्ट्रिक बेंजामिन। बल्ब थॉमस एडिसन। डायनामो एम फेराडे। और गैस इंजन डेमियर। डीजल इंजन आर डीजल, उसका नाम ही डीजल था। वेल्डर वेल्डिंग की मशीन वगैरह एडिश थॉमसन। रेलवे इंजन स्टीफन बेटर। एलपीजी गैस डॉक्टर वॉल्टर डीएस। माइक हॉर्स शॉर्ट। पेन लुई वारमेन। आयरन बॉक्स एच डब्ल्यू सुई। माचिस जॉन वॉकर। कैमरा जॉन कॉर्बेट। डिजिटल कैमरा स्वी स्टीवन। और रेजर किंग्स जे जेलेट, उसका नाम भी जेलेट, जेलेट कंपनी का इस्तेमाल करते हो ना आप लोग। रबर सी गुडियर, उसका भी नाम सी रबड़ का इस्तेमाल। और रेफ्रिजरेटर जेम्स। और जो है सफाई पिन वॉल्टर हंट। सिलाई की मशीन जो है टाइम ओनर। और लेंस वेनिस। और जो है आई ग्लास सेल्विनो। और टी ई बेयर्ड। और जो है फोन ग्रामविल। और कंप्यूटर मोबाइल मोबाइल एस डी कार्ड पेन स्टील सीमेंट टाइले टॉयलेट पैंट शर्ट जींस और ब्रा और क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल पेंसिलिन प्लास्टिक सर्जरी पोलियो चेचक की दवा एक्सरे इंसुलिन क्विनिन हैंड हार्ट स्टेंट हार्ट प्लास्टर बेहोशी की दवा एंथ्रॉक्स और एंटीसेप्टिक और आर्टिफिशियल हार्ट कृत्रिम कुल्हा और त्वचा और जो है जन्म नियंत्रण की गोलियां और रक्त आदान संपर्क लेंस खांसी मिटाना की दवाई और सिरिंज। बाप रे बाप रे, ये तो पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते जाएंगे। ये सारे मसीही लोगों ने निकाला है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि कोई हो, सारे जिनके अंदर पवित्र आत्मा था। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ताली बजाओ इन लोगों के लिए भाई। हालेलुया। इनके अंदर पवित्र आत्मा था और इसलिए, हालेलुया, इसलिए आपने थोड़ी ज्यादा तालियां बजा ली। हालेलुया, सही बात है, बजानी चाहिए। इतना हम फैसिलिटी लेते हैं इनसे। हालेलुया, लेकिन कभी सोचा नहीं कि किसने निकाला ये खोजबीन। ये सारे के सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए मसीह। इन्होंने बाइबल में लिखा ना कि जो पवित्र आत्मा सहायक अर्थात मेरा पवित्र आत्मा जो है वो भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रियो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको सारी बातें सिखाएगा। आपको मैथ सिखाएगा, आपको ज्योग्राफी सिखाएगा, आपको साइंस सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। वो पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा से कोई भर जाता है तो उसको मैथ्स अच्छा आना शुरू हो जाता है। जब पवित्र आत्मा से कोई भर जाता है तब परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर आती है। हमारी रूथ कहाँ गई? रूथ जो है हाँ, तो जो है वो बहुत अच्छी पढ़ाई करती है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरी है। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा से भरे हैं उनको परमेश्वर जो है सिखाता है। हालेलुया। और परमेश्वर उनको ऊपर लाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सिखाने वाला कौन है? दूसरी बात, हालेलुया, मुझे 11 बातें सिखाने टाइम हो चुका है, लेकिन जल्दी जल्दी। हालेलुया, वो तुम हमारी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा के, जो क्योंकि लिखा है रोमियो 8:14, क्योंकि जो सब पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलते हैं। फिर वो हमारी सहायता करते कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। गलतियों 5:16। हालेलुया, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो कि तुम शारीरिक इच्छाओं को किस रीति से पूर्ण नहीं करोगे। हालेलुया। और वो अगली बात, जो हमें प्रार्थना
में हमारी सहायता करता है। इस रीति से हम आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करते कि हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहे भर भर कर जो वर्णन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे ब्रदर ओम प्रकाश है और ब्रदर ओम प्रकाश की पत्नी ज्ञानवती है, कहीं मुझे कुछ प्रार्थना नहीं आती, मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मुझे को, और इतनी सुंदर प्रार्थना करती है वो, एकदम तल्लीन होके प्रार्थना इतनी सुंदर करती है, हमें पता नहीं कैसी प्रार्थना करनी, लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है वो हमको सिखाता है, फिर वो हमारी प्रार्थना में सहायता करता है, फिर हमारे शरीरों को जीवन देता है, हमारे शरीरों को जीवन देता है। मैं आपको बताऊं, जॉली आज यहाँ पे नहीं होती, मैं यहाँ पे नहीं होता, हम मर जाते हैं, महामारी में ही मर जाते हैं। महामारी में हम बहुत बीमार थे, एक पूरा महीना हम बिस्तर पे थे, हमने चर्च के किसी मेंबर को नहीं बताया और ना ही हमने जो है किसी को बताया, बल्कि जब बताया तब जब ठीक होने के बाद बताया। मैंने कहा और हम सप्तजंग हॉस्पिटल में जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन मैंने कहा जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी, फिर और एम्स में जाए कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए कि वहाँ जाए, हम बहुत गफलत में पड़े थे। लेकिन उतने में हम दोनों में डिस्कस किया कि हमारे साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, वह हमें चंगाई दे देगा। हालेलुया, वह हमारा परमेश्वर है, उसने अभी तक हमें संभाला। हालेलुया, और वो अगर हमारे शरीर में आएगा, वो पवित्र आत्मा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और वो तुम्हारे शरीर में जब आएगा तो अब जो है वो तुम्हें, तो हम प्रार्थना करते रहे हर रोज करते रहे, और एक दिन जो है जब बंधन टूटना था। हालेलुया, देखो किसी भी बात के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहो तो बंधन टूट ही जाता है, फिर आखिर में टूट ही जाता है। हालेलुया, हर रोज उस बात के लिए प्रार्थना करो। हम हर रोज प्रार्थना कर रहे थे उस बात के लिए, प्रभु चंगाई चाहिए, प्रभु चंगाई चाहिए, और एक समय आया कि जॉली सांस नहीं ले पा रही थी, वो ऐसे से कर रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, और उतने में मैंने उसके सीने पे हाथ रख के स्तुति भेंट पड़ी, जो परम प्रधान के यहोवा मेरा चरवा, और जब वो खत्म कर दिया उसने कहा मैं पूरी सांस ले पा रही हूँ। हालेलुया, और उस समय से लेके हम एकदम ठीक हो गए, उसने भी मेरे लिए प्रार्थना की और मैं ठीक हो गया। तो बाइबल में लिखा है कि अच्छा जो वही हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा क्या करता है, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा अंदर आने के लिए पहले अपने पापों से माफी मांगनी पड़ेगी। मरता क्या कुछ नहीं करता, मरता क्या कुछ नहीं करता, प्रभु मैं सबको माफ करते, सबको माफ करेगा, हाँ प्रभु सबको माफ करेगा, माफी मांग लेगा, हाँ प्रभु सब माफ करेगा, पश्चाताप करेगा, हाँ प्रभु पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा, हाँ प्रभु मन फिराएगा, बोले चंगा ही करते प्रभु, चंगा ही दे, मरना नहीं चाहते, फिर माफी मांग, पश्चाताप कर, और पश्चाताप जो करता है परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आती है। पवित्र आत्मा उन्हीं के ऊपर आता है कि जो कहता है कि मैं पापी हूँ, मुझे तेरी आवश्यकता है, मेरे पापों की क्षमा कर। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ गया, ये वही पवित्र आत्मा है जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया, ताली बजाए प्रभु के लिए, थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे उस वचन को, बाइबल में लिखा हुआ है हालेलुया कि कैसे वो हमें जीवन देता है, रोमियो 8:11। यदि आत्मा जिसने, यही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा, मरने नहीं देगा। हालेलुया, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महान करुणा का और महा हालेलुया कृपा का वर्णन करता रहूंगा। तो हम देखते कि ये पवित्र आत्मा आता है हमारे शरीरों को जीवन देता है, पवित्र आत्मा आता है विश्वासी की सेवा के लिए। पवित्र आत्मा, देखो ये 11 बातें मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। पहली बात, पवित्र आत्मा जब आता है हमारे संबंधों को प्रमाणित करता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तीसरी बात, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करता है पवित्र आत्मा। चौथी बात, प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है पवित्र आत्मा। फिर पांचवी बात, वो हमारे शरीरों को जीवन देता है, मरने वाले भी है ना तो जीवन दे देता है। छठवीं बात, हमारी गवाही देने के लिए हियाव और सामर्थ देता है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत सारे लोग गवाही नहीं देते। नए साल में यही आपके लिए वचन है, गवाही। ये ब्रदर विजय अपना, उन्होंने परचून की दुकान शुरू की थी, परचून की दुकान भी संभालते थे, किराना दुकान और जो है जॉब भी, और उनके शॉप पे आने वाला हर एक परचून की दुकान जो है जो भी ग्राहक आता था सबको ट्रैक्स देते थे, और जहाँ से सामान खरीदते थे वहाँ भी जाके ट्रैक्स देते थे। ऐसा एक भी बंदा नहीं बचा
कि जहां पे ट्रैक्स नहीं दिया उन्होंने, ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए इस बात पे। और ये चमत्कार प्रभु ने उनको आशीषित किया, प्रभु ने उनको आनंदित किया। देखो गवाही वही दे सकता है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और गवाह बनोगे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की छोर तक मेरे क्या बनोगे, गवाह बनोगे। तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है ना, तो आप कभी भी प्रभु यीशु के बारे में नहीं बता पाएंगे। डरेंगे आप, कांपेंगे, बताओगे नहीं बताऊं, बताओगे नहीं उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, बुरा तो नहीं लग जाएगा, बुरा तो नहीं लग जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। बुरा तो पवित्र आत्मा को लग रहा है कि आप जो है प्रचार नहीं कर पा रहे हो। देखो ना पतरस की हाल, एक छोटी लौंडी, छोटी बेटी ने पूछा, अरे तू भी तो था उस यीशु मसीह का। ना 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 मैंने तो मैंने और कितनी बार इंकार किया उसने, 3 बार इंकार किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया तो कितने हजार लोग बच गए, 3,000। देखो 3-3 की बात आ रही है। पवित्र आत्मा आने के बाद क्या क्या होता है, 3 बार इनकार करता है पवित्र आत्मा ना होने के बाद, और 3,000 लोग आते हैं गवाही देने के बाद जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। ये पवित्र आत्मा का फर्क है प्रियो। तो पवित्र आत्मा जब आता है तो आपको गवाही देने के लिए कहता है, हालेलुया। फिर अलौकिक सामर्थ, अलौकिक राज्य का परिचय करा देता है, सारे जो है सारे गिफ्ट्स बता देता है। फिर 8वीं बात, वो गवाही देता है कि यीशु जीवित है। 9वीं बात, वो वचन की समझ नहीं समझ देता है। 10वीं बात, वो हमारी आत्मा को परमेश्वर की आराधना से भरता है। देखो पवित्र आत्मा जब आता है तो आपको हमेशा लगेगा चलो हम गाना गाएंगे, चलो हम स्तुति भेंट पढ़ेंगे, चलो हम प्रार्थना करेंगे, चलो हम प्रभु की सेवा करेंगे। और जब शैतान आता है चलो हम 2 हाथ करेंगे, 2 घूसे मारेंगे, आर या पार लड़ाई कर देंगे, इसका नाक तोड़ेंगे या तो तू मेरा नाक तोड़ दे। तो ये चीज़ें शैतान की होती है। हाँ, और जो गुस्से का आत्मा है ये शैतान का आत्मा है, ये वो हमारे ऊपर आएगा तो ये सब बातें करेगा। एकदम गुस्सा झगड़ा करने की इच्छा होती है, एकदम जो हाफ बीपी हाई हो जाती है। हेलो लिया, समझ लेना कौन है ये, शैतान। शैतान आपको उसका रहा है, उसने ऐसा बोला तुझको, उसने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, आने दे उसको, आने दे, आने दे, आने दे। तो ये सब चीज़ें क्या ये क्या है, ये शैतान की उसका ही भी बातें हैं। शैतान की आत्मा से ना भरो, लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है चलो प्रचार के लिए, चलो आराधना के लिए। अरे 2-4 गाने गा लेते यार, हैं 2-4 प्रभु की भजन गा लेते हैं, क्या बात है। और ये सब चीज़ें होता है जब पवित्र आत्मा आता है तो आराधना से भरता है और यीशु की महिमा करता है। 11वीं बात, यीशु की महिमा करता है। अभी पवित्र आत्मा से हम कैसे पाए, ये आखिरी बात बता के बंद करूंगा। पवित्र आत्मा को कैसे पाए, जो है आपको क्या लगता है कैसे पाना है? यस, वेरी गुड, पश्चाताप, शाबाश, बपतिस्मा लेकर, वचन पढ़ के, वेरी गुड, प्रार्थना करके, वेरी गुड, आज्ञा पालन, वेरी गुड, वेरी गुड, आराधना स्थिति की तरफ मेरे पॉइंट बता दिया आपने, वेरी गुड, और वेरी गुड, परमेश्वर का भय मान के ये सब लोगों के लिए ताली बजा, वेरी गुड, आपने सब बताया। तो बाइबल में लिखा है कि जब तुम बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय जो तुम्हें अपवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। तो वो तो देना चाहता है, वो तो देना चाहता है। करना क्या है, जैसे बताया ना, पश्चाताप करना है, बपतिस्मा लेना है, आज्ञा पालन करना है, भय मानना है, सब कुछ करना है और जो है मांगना है, हे प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया, मांगना है, मांगते रहो, पवित्र आत्मा और चाहिए, पवित्र आत्मा और चाहिए। हालेलुया, कभी कभी खा पी के प्रार्थना करते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उपवास के साथ भी प्रार्थना करना करके मांगना है, उपवास आत्मा। और दूसरी बात, स्तुति करना है, बहुत स्तुति, बहुत स्तुति, बहुत आराधना, और तब परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर देगा, आपको भाषा देगा, अन्य भाषा देगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो प्रभु आपको आशीषित करे। ये नया हालेलुया नए साल का नया संदेश है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है और उसको करने दीजिए। आपको वो सिखाएगा, आपको वो बताएगा, आपके द्वारा बड़े बड़े काम वो करेगा। आइए हम दुआ करेंगे, हम सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पे और प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस संदेश के लिए, आज का संदेश प्रभु, अरे साल का संदेश, 2021 का संदेश
ये पवित्र आत्मा का साल है। पवित्र आत्मा, प्रभु कहता है कि उन दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडे लूंगा। प्रभु हालेलुया, हमारे कैलवरी चर्च पे और जो जो व्यक्ति ये प्रार्थना और जो जो व्यक्ति ये संदेश सुन रहा है उनके ऊपर प्रभु पवित्र आत्मा उंडेल दे पिता परमेश्वर। प्रभु उनके अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आने दे प्रभु, और तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने दे। धन्यवाद तूने अपने भक्तों को, अपने लोगों को आज यहाँ पे लाया, उनको आशीषित कर, जैसे वह जाते हैं उनकी सहायता कर प्रभु। आने वाला सप्ताह उनके लिए ब्लेसिंग का सप्ताह ठहरे, उनके बंधन तोड़ दे प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष दे। हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, हर एक बीमार यीशु के नाम से पूर्णता ठीक हो जाए। यीशु के एक कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाओ, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाओ। उस बीमारी को हम डांटते हैं, उस बेरोजगारी को हम डांटते हैं, हमको काम मिलने दे प्रभु जी, और तेरी महिमा होने दे प्रभु जी। ओ तेरी महिमा हो। धन्यवाद हर एक को आशीष देने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर पिता, आमेन और आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, और जो जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जो आज यहाँ उपस्थित है, उन सबों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे, आमेन और आमेन। सब जय मसीह की। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू। सभा